जी टीवी लेकर आ रहे हैं अपना नया शो जिसका नाम है कैसे मुझे तुम मिल गए, स्टारिंग अरिजीत तनेजा एंड श्रुति झा। शो के लॉन्च इवेंट पर एक्टर्स ने दिया अपने रोल को लेकर एक खास इंट्रोडक्शन, तो देखिए पूरा वीडियो। नमस्ते, मैं हूँ अमृता चिटनिस, क्वालिफिकेशन से MBA, प्रोफेशन से बैंकर, और उम्र मत पूछेगा, मेरी आई को बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, मेरी उम्र तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे, तो अब वो ट्रिपल कोशिश में है कि जल्दी से मेरी शादी करवा दें। एक्चुअली आप लोगों को भी सेफ रहना चाहिए, जस्ट मेक श्योर कि आपकी बगल वाली सीट खाली ना हो, वरना कहीं वो आपके पास आके आपको शगुन का लिफाफा पकड़ा देंगे और आपको ही मेरा दूल्हा बना देंगे। एक्चुअली आई बड़े जोरों शोरों से लगी है कि मुझे बहुत अच्छा पति मिल जाए, सोने जैसा, लेकिन मुझे तो हीरे जैसा पति चाहिए। हीरा मतलब पर्सनैलिटी से हीरा। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे सच्चा वाला प्यार करे, जो मेरे दिल की बात समझे। बस ऐसा ही पति चाहिए मुझे जो मेरे दिल की बात समझे। वैसे इस बात पे किताब लिखी जा सकती है कि लड़कियां एक्चुअली में क्या चाहती हैं और दुनिया को क्या बताती, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। मेरे हिसाब से ना, अगर झूठ की कोई शक्ल होती है ना, तो वो इन लड़कियों की होती है। इनको पति चाहिए हीरे जैसा, सोने जैसा। यार ये दुनिया पित्तल दी और इन औरतों का दिल ना पत्थर था, फिर भी इनकी डिमांड में नो कमाल। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ भाई लोग, ये शादी वादी के बवाल में ना पढ़ो ही मत, कुछ नहीं रखा इसमें। सिंगल रहोगे ना, खुश रहोगे, सॉर्टेड रहोगे और ज्यादा भी जियोगे। मेरे हिसाब से लड़कियां ना बहुत सेल्फिश होती हैं, और अगर लड़कों को एक्चुअली पता चल जाए कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो शादी के बारे में तो सोचेगी, क्योंकि इनको प्यार नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से प्यार। I agree with Virat. Hello, मैं हूँ बबीता आहूजा, विराट की माँ। मैं कहती हूँ ना कि अमीरों को सिर्फ अमीरों से ही शादी करनी चाहिए, यही रिश्ता जचता है। A match made in heaven. अमीरों के लिए ही तो बोला जाता है, गरीबों को वहां कौन पूछता है। मेरा तो ये साफ मानना है कि सिक्का उछालकर नसीब आजमाने वाले गरीब होते हैं, नसीब वाले तो पैदाइशी अमीर होते हैं, जिनके आगे दुनिया का हर रिश्ता बिकता है, प्यार भी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, मतलब ऐसे थोड़ी होता है ना। सॉरी, हाँ मैं ऐसे बीच में ही आ गई। मैं नमस्कार, मैं भवानी चिटनिस, आंखों की आई। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बिकाऊ नहीं होता, और पैसों का मोहताज तो बिल्कुल नहीं होता। प्यार हो या रिश्ता, वो विश्वास की नींव पे टिकता है ना। और ऐसा प्यार पाने के लिए और निभाने के लिए ना, अमेरिकी नहीं, सब कुछ लुटा देने वाली फकीरी चाहिए होती है। एक सेकंड, प्यार यार, जब लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, तो ये प्यार और शादी की क्या ही गारंटी हो सकती है। रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती, रिश्तों को बनाना पड़ता है, निभाना पड़ता है। रिश्ते गारंटी पर नहीं, विश्वास पर चलते हैं। Guys, after this delightful introduction to our new characters, I'd like. Hi guys. So, कैसे मुझे तुम मिल गए is our new baby, and as usual, I have butterflies. I've been annoying all 4 of these. हो रहा है ना, ये ना हो ना, it's our new love story. It's the story of आज की मुंबई, आज की इंडिया की लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो काम करती है, घर संभालती है, नौकरी करती है, शी इज इंडिपेंडेंट एंड शी इज ऑल्सो 29. फाइंड अ हस्बैंड, बट टिल देन शी इज ऑल्सो 29. अनलाइक व्हाट वी हैव सीन बिफोर कि 29 की हो गई तो अब सैड हो गई, शादी नहीं हुई आज तक, कैसे चलेगा। अमृता इज नॉट लाइक दैट, अमृता बिलीव्स इन लव। कुछ चीजें थी घर में, प्रॉब्लम्स थी, शादी नहीं हुई, बट शी स्टिल बिलीव्स इन लव एंड शी स्टिल होप्स दैट वन डे शी विल फाइंड द राइट पार्टनर। एज नहीं होना चाहिए अ रीजन टू गेट मैरिड, लव होना चाहिए।
She's a good Maharashtrian middle class girl who lives with her family in a very nice chota sa 2 BHK. Uska full opposite is Virat and Virat's entire Ahuja family, who by the way was called Virat Ahuja at one point. And then Shruti called me and said, I want to call him Singhdana. So because she wanted to call him Singhdana, Virat is now Virat Singh Ahuja, so that we can call him Singhdana. So Virat is that Punjabi munda who's lived in South Delhi, who is extremely talented at work and he's made lots of money, karodo karodo, which we always have in all our shows. So karodo ke paise hai inke paas, but utna hi attitude hai. Aur iske past mein ek aisi cheez hui jisse he believes women are only after money. Women are just like that. Not so nice hai, तो ये है इनके नेबर्स, नॉट रीडेवलप बिल्डिंग में बगल में रहने वाले लोग, और ये हमारे ड्यूपले वाले लोग. सो दीज आर आर फैमिलीज एंड हाउ दीज टू टोटली ड्रास्टिकली ऑपोजिट पीपल इन अ टिपिकल मुंबई वे, बिकॉज मुंबई में गरीब के बगल में अमीर रहते, अमीर के बगल में गरीब रहते, सब एक साथ रहते हैं. पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, एवरीबडी लिव्स टुगेदर. सो माई शो इज अ लिटिल स्मॉल विंडो ऑफ मुंबई एंड आवर लाइव्स एंड हाउ वी लिव टुगेदर. सो आप इस नए शो के लिए कितने हैं एक्साइटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें.